बच्चा ठीक है ना? थैंक गॉड बच्चा ठीक है। नर्स बच्चे को इंक्यूबेटर में डालते हैं। परेश पता आंटी के प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा। अभिषेक बोलो ना रूही कहाँ है? मैं बता ये खा गए मेरी बच्ची को। रमन ये क्या बोल रहे तुम? और निधि और रिश्ता के झगड़े में ये बेटे कुर्बान हो गए। निधि ने वो बड़ी चट्टान से नहीं। क्या बिगाड़ा था मैंने तुम दोनों का यार? वो छोटी सी बच्ची ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कि उसकी जान लेनी तो लड़ हमारी रोई किधर है? रोई किधर है? तुमसे कहा था ना मैंने? तुम क्यों आए थे? तुम दोनों ने मिलकर मारा मेरी बेटी को। तुम दोनों जिम्मेदार उसकी मौत के। वो बस मदद कर रहा था। दूसरों की वकालत करना बंद करो। मैं ओके मदद करने आया था ना, एसीपी है ना, लगा दो सारे दिल्ली की पुलिस फोर्स ढूंढ के लाओ मेरी बेटी को। ला सकते मेरी बेटी को? ओके चलो मान लिया रूही जिंदा है, ला मेरी बेटी को। मन मेरी बात सुन, बकवास बंद कर, मुंह तोड़ दूंगा तेरा, चीर फाड़ डालूंगा साले जो भी होगा तो समझा। तुम्हें मैंने मना किया था, मैंने कहा था कि पुलिस वाले को मत बताने की, तुमने बताया। कहा था पल्ला की लफड़े में मत पड़ो तुम पड़ी। अपने आप को इसी मां कहलाती हो? अरे तुम मां कहलाने के लायक नहीं हो। मां के नाम पे धब्बा हो, मां के नाम पे धब्बा हो, मां के नाम पे धब्बा। इसने आज साबित कर दिया कि सौतेली मां सौतेली होती कभी कभी अपनी नहीं हो सकती। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारे लिए ऐसे बोलना पड़ेगा मुझे, लेकिन तुम्हारी तो जाति ऐसी है, तुमने ऐसी रंग दिखा दिया। मौका मैंने तो क्या किया, अपना बच्चा चुनाना। तुम जिम्मेदार, तुम शायद ऐसी पहली बदनसीब हो जो जिंदगी भर इस बोझ के साथ जिएगी कि वो उसने अपनी मासूम बच्ची को अपने घर उतार दिया। अभिषेक मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बेटी का तो हाथ भी मां मतलब ही यही औरत दुनिया कोसती है ना, इसको सही कोसती है। वो बाला की मां भी सही कहती थी, मनु से ही जहां जाती है तकलीफें साथ ले जाती। मत मारी गई थी मेरी के, अरे रूही वो थी जिसने हमें करीब लाया था। लेकिन प्रॉब्लम क्या पता है कि तुम्हारी किस्मत ही खराब है। नहीं तुम्हारी नहीं, मेरी किस्मत खराब है, क्योंकि जब तक तुम मेरी जिंदगी में नहीं थी ना, भले मेरी बच्ची के करीब नहीं था लेकिन मेरी बच्ची जिंदा थी। जब से तुम आई हो ना, मेरी जिंदगी में तकलीफ आना शुरू हो गई है। तुम्हारी वजह से मैं मेरा सारा परिवार सिर्फ मुश्किलों का सामना करता है। हर बार बस तंग आ गया हूं यार। इशिता क्या साबित करना चाहती हो? रूही से इसी मां बुलवा के क्या साबित करना चाहती हो? एक छोटी सी बच्ची के मां बुलाने से मां नहीं हो जाओगी तुम? कमाल की एक्ट्रेस निकली तुम यार। इतने सालों तक किसी को पता भी नहीं चला कि अंदर से तो अभी तक तुम वही पांच जीता हो। चौंक क्यों रही हो? चौंको मत, ये सच्चाई है। अपनी आंखें बंद करने से दुनिया में अंधेरा नहीं हो जाएगा। तुम मां बनने लायक नहीं हो। एक मौका दिया था तुम्हें ऊपर वाले ने, तुम्हें साबित कर दिया कि तुमसे ज्यादा मतलबी, तुमसे ज्यादा नॉन डिजर्विंग औरत नहीं है मेरी बच्ची को खा भी तुम। मजबूर हूं क्योंकि अभी भी रूही की आवाज गूंजती है मेरे कान में। वो इसी मां बुलाती थी वरना यही काट देता तुझे मैं। आज की बात मेरे घर में, मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं।
फॉर आई किल यू, गेट आउट ऑफ माय हाउस, आउट ऑफ माय लाइफ। ले जाइए अपनी बेटी को, वरना शायद आपकी दोनों में से एक ही बेटी बचे। अपने आप को इसी मां कहलाती हूं, मां कहलाती हूं। अरे तुम मां कहलाने के लायक नहीं हो, मां के नाम पे थप्पा होता। इसने आज साबित कर दिया कि सौतेली मां सौतेली होती, कभी कभी अपनी नहीं हो सकती। बाला की मां भी सही कहती थी, बनो सही, बनो सही, जहां जाती है तकलीफें साथ ले जाती है। आज की बात है, मेरे घर में, मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। गाड़ी रो, गाड़ी रो। वो देख ना, वो इशिता है, वो देख, वो देख। लेकिन इशिता तो नहीं यार। इशिता ये देख तो सही, आंखें खोल के देख, वही है। लेकिन इशिता तो मर गई थी, कहां से आई? यार मुझे तो पहले से ही शक था, पर ये यहां पर कर गई है। देखो अशोक, पर ये इशिता है भी ना, तो भाड़ में जाने दे, इस तक करने पड़ने की जरूरत नहीं। चल हम यहां से। नहीं नहीं सूरज, नहीं, हमें चेक करना पड़ेगा, वो यहां पर कर कर रही है इस वक्त। इसने तो सुसाइड कर लिया यार। सूरज तू कहता था ना कि इस मामले में मत पड़ना। दे अब ये किस्सा खत्म हो गया। She's dead. कोई भी इतनी ऊंचाई से गिरकर नहीं बच सकता। She's dead. इश्ता से सुई। हाँ।